नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स बताने जा रही हूँ, जिनसे रिलेटेड उनके जैसी प्रॉब्लम्स एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। ये आइडियाज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर्स में देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 से। लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग इफ यू इज एन आइडियल ऑफ आर। लेट आर यू, हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं स्मॉल आर अंडर ब्रैकेट यू। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हम ले रहे हैं? X belongs to R such that X U is equal to 0 for all U belongs to U. Show that R U is an ideal of R. यहां पर देखिए R plus dot जो है वो एक रिंग है और U जो है वो R का एक आइडियल है। हम एक सेट ले रहे हैं R U जिसके अंदर R के वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑल दोज X belongs to R such that उस X का प्रोडक्ट U के सभी एलिमेंट्स के साथ में जीरो हो। जो भी एलिमेंट्स R के ऐसे आते हैं जो कि U के सभी एलिमेंट्स को जब हम उनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो आए, तो ऐसे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो है आर यू। हमें ये शो करना है कि आर यू जो है वो भी आर का एक आइडियल है। हमें ये तो पता ही है कि यू जो है वो आर का एक आइडियल है और आर यू इस तरह का ये जो कलेक्शन है वो भी रिंग आर का एक आइडियल है। ये चीज हमें यहां पर शो करनी है। हम इसको रीराइट कर लेते हैं। आर यू इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स यू इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू। टू शो आर यू इज एन आइडियल ऑफ आर। अब अगर किसी भी सबसेट को आइडियल प्रूव करना होता है तो हम सबसे पहली जो चीज करते हैं वो ये चेक करते हैं कि वो एम्प्टी तो नहीं है ना। तो ये नॉन एम्प्टी है। ये नॉन एम्प्टी क्यों है? बिकॉज जीरो जो है वो आर यू को बिलोंग करता है। किस लिए? क्योंकि जीरो इंटू यू इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू। क्योंकि अगर आप जीरो को हर एक यू से मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए वो हमेशा ही जीरो आएगा। ऑल्सो आर यू जो है वो आर के अंदर कंटेन करेगा क्योंकि इसमें आर के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये डेफिनेशन से ही हमको पता चल रहा है ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू आर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। आर के वो वाले एक्स आ रहे हैं इसके अंदर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स तो आर के ही आ रहे हैं, यानी कि अगर हमारे पास में ये आर है तो ये आर यू जो है वो इसका एक हिस्सा है, वो उसका सबसेट हो गया। तो ये इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। अब हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यू। हमें क्या शो करना है? टू शो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आर यू। ये चीज हमें शो करनी है। अब एक्स और वाई अगर आर यू के अंदर बिलोंग करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? एक्स यू इज इक्वल टू जीरो एंड वाई यू इज इक्वल टू जीरो For all u belongs to u. अब हमें देखिए यहां पर ये शो करना है टू शो x माइनस y belongs to R U. इसका मतलब हमें क्या शो करना है? दैट इज टू शो x माइनस y into u is equal to zero for all u belongs to u. ये R U के अंदर कभी भी कोई भी एलिमेंट कब बिलोंग करेगा? जब उसका हर एक U के एलिमेंट्स के साथ में जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो आएगा। यानी कि हमें ये वाली चीज शो करनी है। तो हम इस एक्सप्रेशन को कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर x माइनस वाई यू विच इज इक्वल टू एक्स यू माइनस वाई यू। ये कैसे आया?
बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये हमें पता है जीरो है, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर एक्स माइनस वाई यू इज इक्वल टू जीरो. और ये जो यू था ये आर्बिटरी था. देयरफॉर फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में एक्स माइनस वाई जो है वो आर यू के अंदर बिलोंग कर जाता है. तो इस तरह से हमारे पास में एक जो आइडिया की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है. अब हमें नेक्स्ट दो कंडीशंस जो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल वाली है वो चेक करनी है. नाउ फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू आर यू एंड टी बिलोंग्स टू आर, हमें क्या शो करना होगा? टू शो एक्स टी एंड टी एक्स बिलोंग्स टू आर यू. ये चीज हमें यहां पर शो करनी है. दैट इज टू शो एक्स टी इंटू यू इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू एंड टी एक्स इंटू यू इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू. ये दोनों चीजें हमें यहां पर शो करनी है. तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर टी एक्स यू, ये हमने कंसिडर करा. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टी एक्स यू बाय एसोसिएटिविटी. ये हमने यहां पर लिख दिया टी इंटू एक्स यू. अब हमें पता है कि x जो है वो R U के अंदर बिलोंग करता है. therefore x U is equal to zero for all U belongs to U. therefore ये क्या आ गया? T into zero is equal to zero. therefore T x U is equal to zero for all U belongs to U. therefore T x इसको बिलोंग कर गया R U को. टी एक्स यू इज इक्वल टू जीरो, ये फिक्स यू के लिए आया है, लेकिन यू जो है वो एक आर्बिटरी एलिमेंट था. therefore जो रिजल्ट है वो सभी आइडियल यू के एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो रहा है. इसलिए हमारे पास में ये जो टी एक्स है ये आर यू को बिलोंग कर जाता है. नाउ टू शो एक्स टी बिलोंग्स टू आर यू. अब एक्स टी आर यू के अंदर कब बिलोंग करेगा? दैट इज टू शो एक्स T U is equal to zero for all U belongs to U. जब हमारे पास में X T का U सभी U के साथ प्रोडक्ट जो है वो जीरो आए. तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं X T into U which is equal to X T U. अब अगर हम इसको U dash ले लेते हैं किस तरह से, यहां पर देखिए T जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, U जो है वो R को बिलोंग कर रहा है. तो T U जो है वो भी R को ही बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इन R. देयरफॉर हम इसको कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं तो हम इसको U डैश ले रहे हैं. तो X U डैश आ जाता है यहां पर. अब यहां पर देखिए कि X जो है वो R U को बिलोंग करता है. therefore X U is equal to zero for all U belongs to U. इसका मतलब क्या हुआ कि X U dash जो है वो भी जीरो हो जाएगा. therefore ये हमारे पास में जीरो आ जाता है. therefore X T U is equal to zero for all U belongs to U. therefore X T belongs to R U. ये आ जाता है. तो हमने यहां पर दोनों चीजें प्रूफ कर दी है. टी एक्स एक्स टी बिलोंग्स टू आर यू. इस तरह से हमारे पास में आइडियल की जो दोनों लेफ्ट और राइट वाली जो कंडीशंस हैं वो दोनों की दोनों प्रूफ हो जाती हैं. इसके अलावा हमने सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन भी प्रूफ कर दी है. देयरफॉर आर यू इज एन आइडियल ऑफ आर. यहां पर देखिए हमने क्या क्या प्रूफ करा है. For all xy belongs to Ru, x minus y belongs to Ru. एक तो ये वाली कंडीशन प्रूफ कर दी है. एक हमने for all x belongs to Ru and for all R belongs to R, इसको हम T ले लेते हैं कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए. And for all T belongs to R, हमने क्या शो कर दिया? Tx and xt belongs to Ru.
तो इस तरह से हमने आइडियल की सारी जो कंडीशंस हैं वो प्रूफ कर दी हैं, और हमारे पास में आर यू जो है वो एक आइडियल आ जाता है, क्योंकि यू जो है वो खुद एक आइडियल है। इसी से मिलते जुलते और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने एग्जाम में देखे हैं। तीन चार प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पर स्टेट कर रही हूँ, और बाकी प्रॉब्लम्स भी अगर आपको दिखता है तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ यू इज एन आइडियल ऑफ आर एंड आर कॉलन यू इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट आर एक्स बिलोंग्स टू यू फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, प्रूव दैट आर कॉलन यू इज एन आइडियल ऑफ आर एंड आर यू कंटेन्स यू। ये चीज हमें यहां पर शो करनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं। हमारे पास में आर प्लस डॉट जो है वो एक रिंग है, आर प्लस डॉट सॉरी, और यू जो है वो इसका एक आइडियल है, ये हमें यहां पर दे रखा है। आर कॉलन यू ये किस तरह का कलेक्शन है, इसमें आर के वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, वो वाले आर के एलिमेंट्स जिनको आर के जब हम सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, तो हमारे पास में आर एक्स ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो यू के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरह का हमारे पास में ये कलेक्शन है आर यू। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो कलेक्शन है वो आर का आइडियल है। तो सबसे पहले तो हमें इसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करना होगा, आर कॉलन यू को, कि ये नॉन एम्प्टी है। फिर हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये जो आर कॉलन यू है ये आर के अंदर कंटेन कर रहा है, तब ये इसका नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। अब देखिए आर के अंदर तो ये कंटेन करेगा ही, क्योंकि इसके अंदर आर के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे के सारे। तो अब ये कंटेनमेंट आ गई, और फिर हमें ये शो करना है कि अगर एक्स एंड वाई कोई भी आर कॉलन यू के एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास में एक्स माइनस वाई जो है वो भी इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, और अगर हमारे पास में एक्स आर यू का एलिमेंट है एंड टी जो है वो अगर हमारे पास में आर का एलिमेंट है, तो टी एक्स एंड एक्स टी जो है वो इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमें यहां पर प्रूफ करनी है। ये प्रूफ आपको किस तरह से करनी है, अगर एक्स वाई इसके अंदर बिलोंग करता है इस पर्टिकुलर सेट के अंदर, तो जो प्रॉपर्टी है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स भी सेटिस्फाई करेगा वाई भी सेटिस्फाई करेगा, और वो प्रॉपर्टी जो है वो एक्स माइनस वाई के अंदर भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरह से अगर एक्स आर यू के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो आर कॉलन यू वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें ये शो करना है कि टी एक्स और एक्स टी इस सेट के अंदर बिलोंग करें, तो हमें इसके लिए ये शो करना होगा कि टी एक्स और एक्स टी जो है वो भी आर कॉलन यू वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ में क्वेश्चन के लास्ट में हमें ये शो करना है कि यू जो है वो आर कॉलन यू के अंदर कंटेन करे, यानी कि हम इसका एक आर्बिटरी एलिमेंट लेंगे और वो इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, और फिर हम ये कहेंगे कि वो एक फिक्स एलिमेंट नहीं था, वो एक आर्बिटरी एलिमेंट था। इसका मतलब यू का हर एक एलिमेंट जो है वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा, और पूरा का पूरा जो यू है वो आर कॉलन यू के अंदर कंटेन कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मैं हर एक ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन ये सब आपके लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो इन सब को सॉल्व करके मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए। अगर मैं आपको उसको अच्छे से चेक करके बताऊंगी कि इसमें आपने कुछ गलत तो नहीं किया है ना, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस टाइम हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। फॉर ए बिलोंग्स टू आर, लेट आर ए इज इक्वल टू एक्स
is equal to xA such that x belongs to R. Prove that RA is a left ideal of R. हमारे पास में हम एक फिक्स एलिमेंट ले रहे हैं ए बिलोंग्स टू आर और एक कलेक्शन ले रहे हैं जहां आर ए जहां पर हम एक्स जितने भी आर के एलिमेंट्स हैं आर के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्स उन सब को हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट साइड से. सपोज अगर हमारे पास में आर में इतने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 इसी में से कोई एक है ए. सपोज ए है 2 हम इसमें किस तरह का कलेक्शन ले रहे हैं 1 into 2, 2 into 2, 3 into 2 और 4 into 2. ये रिंग या कोई वैसे एग्जांपल नहीं है क्योंकि ये रिंग की कोई भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. एक आम सेट के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अगर हमारे पास में कोई भी सेट है और हम उसको उसी के एलिमेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो हमारे पास में R ये सेट है जिसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. हमने यहाँ पर A जो है वो 2 ले लिया है तो R 2 क्या हो जाएगा. यहाँ पर हम A से हर एक एलिमेंट को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 into 2, 2 into 2, 3 into 2 और 4 into 2. तो इस तरह से हमारे पास में R एक रिंग है उसके सभी एलिमेंट्स को हम राइट साइड से A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो आ रहा है आर ए. हमें ये शो करना है कि आर ए जो है वो लेफ्ट आइडियल है आर का. तो सबसे पहले तो आप आर ए को नॉन एम्प्टी शो करोगे फिर उसके बाद में ये शो करोगे सबसे पहली जो चीज आपको प्रूफ ये करनी है वो ये है कि आर ए जो है वो नॉन एम्प्टी है. आप देखोगे कि जीरो जो है वो आर ए के अंदर बिलोंग कर जाएगा. इसी के साथ साथ आर ए को सबसेट प्रूफ करना होगा आर का. आप इसका एक आर्बिटरी एलिमेंट लोगे वो इस फॉर्म का होगा तो आप देखोगे कि ए जो है वो तो आर का एलिमेंट है ही और एक्स जो है वो आर का एलिमेंट है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वो पर्टिकुलर एलिमेंट आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा और वो एक आर्बिटरी एलिमेंट होगा तो पूरा का पूरा जो आर ए है वो आर के अंदर कंटेन कर जाएगा. और बाकी आइडियल्स की आपको खाली लेफ्ट आइडियल वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है. आपको यहाँ पर देखिए पूरा आइडियल प्रूफ नहीं करना है आपको खाली लेफ्ट आइडियल प्रूफ करना है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ए आपको शो करना है एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आर ए एंड एक्स बिलोंग्स टू आर ए टी बिलोंग्स टू आर आपको क्या शो करना है ओनली लेफ्ट आइडियल यानी कि टी एक्स बिलोंग्स टू आर ए. तो आपको खाली लेफ्ट आइडियल वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पर प्रूफ करना है राइट वाली प्रूफ हो भी नहीं पाएगी यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन में इन्होंने खाली लेफ्ट आइडियल प्रूफ करने के लिए कहा है. तो इस तरह से आपको खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है इफ आर इज अ रिंग If R is a ring and A belongs to R, let RA is equal to X belongs to R such that AX is equal to 0. Prove that R A is a right ideal of R. पिछले क्वेश्चन में आपको लेफ्ट आइडियल प्रूफ करना था और इस वाले क्वेश्चन में आपको राइट आइडियल प्रूफ करना है. क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं हम. If R is a ring and L is a left ideal of R, let lambda L is equal to X belongs to R such that XA
is equal to 0 for all A belongs to L, prove that lambda L is a two-sided ideal of R. यहां पर देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है. यहां पर आपको R जो है वो एक रिंग दे रखा है और A जो है वो इसका एक फिक्स एलिमेंट दे रखा है. R A हम इस तरह का कलेक्शन ले रहे हैं वो सभी x जो R के अंदर बिलोंग करते हैं सच दैट A x इज इक्वल टू 0. यानी उन x को जब हम A से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है. तो वो सारा का सारा जो R के एलिमेंट्स का कलेक्शन है वो हम R A के अंदर ले रहे हैं. हमें प्रूफ ये करना है कि R A जो है वो एक राइट साइड आइडियल है. अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है. यहां पर देखिए हमें दे रखा है L जो है वो एक लेफ्ट साइडेड आइडियल है. हम ले रहे हैं लैम्डा L R के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन सच दैट x a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू L. यहां पर जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है वो इस लेफ्ट आइडियल के साथ में हो रहा है. और इन्हीं सब इंफॉर्मेशन की मदद से हमें ये प्रूव करना है कि लैम्डा L जो है वो एक टू साइडेड आइडियल है R का. टू साइडेड आइडियल मतलब यहां पर आपको लेफ्ट आइडियल भी प्रूव करना है और राइट आइडियल भी प्रूव करना है. तो इस तरह से ये टोटल 11 प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम को मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, पूरा प्रूव करके दिखाया है और बाकी सभी प्रॉब्लम्स की थोड़ी थोड़ी सी बस हिंट दी है. और आप अच्छा होगा कि अगर आप एक एक करके इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में इसकी फोटो खींचकर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज पर मैसेज करें ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है. अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं कि किसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. आप जैसे ही इस वीडियो को देखें प्रॉब्लम्स ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दी हैं वो सॉल्व हुई है नहीं हुई है. जिस किसी को भी जिस प्रॉब्लम में डाउट होगा मैं उसको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी. अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.